रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के बाद 151 रन लगाए। 79 पर अपने 6 विकेट गंवाने के बाद मुंबई इंडियंस का अंतिम टोटल बेहतर रहा, जिसमें सबसे बड़ा योगदान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकला, जिन्होंने आज एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए अपनी टीम को बेहतर स्कोर तक पहुंचाया। आज एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम की बल्लेबाजी को बिखरने से बचाया। लेकिन जहां मुंबई इंडियंस के लिए हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए आज पहली पारी में मोहम्मद सिराज सबसे बड़े विलन साबित रहे, जिन्होंने 4 ओवर करवाते हुए 51 रन लुटाए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में एक वाइड और एक बड़ी नो बॉल फेंकी। इस पूरी ही पारी में आरसीबी के लिए वाइड और नो बॉल फेंकने वाले मोहम्मद सिराज अकेले गेंदबाज थे। मोहम्मद सिराज सिर्फ आज यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उनकी फील्डिंग भी काफ़ी ख़राब रही, जहां गेंदबाज ने 3 कैच भी छोड़े। हालांकि ईशान किशन का आउट करने के लिए उन्होंने एक लाजवाब कैच भी पकड़ा। लेकिन अब उनके इसी खराब प्रदर्शन के चलते सोशल मीडिया पर सिराज को काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। सिराज ने आज जिस तरह से डेथ ओवर में बॉलिंग कराई, उसे देखने के बाद आरसीबी का कोई भी फैंस खुश नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि सिराज आज जब डेथ ओवर में गेंदबाजी कराने उतरे, तो सूर्य कुमार यादव उनके पीछे पड़ गए और उन्हें लगातार एक के बाद एक बड़ी शॉट लगाई। अगर सिराज आज मुकाबले में इतनी ख़राब गेंदबाजी ना करते, तो शायद मुंबई इंडियंस की टीम 150 का टोटल पार नहीं कर पाती। लेकिन अब उम्मीद करनी होगी कि मोहम्मद सिराज अब अगले मैच में एक अच्छी वापसी करके दिखाएं और बेहतर गेंदबाजी करें। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।